क्या? बोस बोलना, डरो मत। कौन हो तुम? ठीक हूँ मैं यहाँ पर। माया, माया, नहीं विशु, तू ऐसे ही नहीं बैठा रह सकता। तुझे ही जाकर अभी और माया को ढूंढना पड़ेगा। बोल राजपुरोहित, मेरी परछाई को नल की आग तक ले जाएगा या फिर मेरे हाथों मारा जाएगा? बोल। बस बस, और नहीं बस। तुम जो बोलोगे सब करने को तैयार हूं, बस मेरी मेरी जान बख्श दो। गुरु का वेरी वेरी हैप्पी। नहीं, अभी को कुछ नहीं होगा, अभी नहीं मर सकता। मरेगा, तुम्हारा अभी मरेगा। नहीं, बल्कि उसके दोस्त मारेंगे। माया, विशु, कहाँ हो तुम लोग? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं होगा? ये तुम्हें प्रेत बना देगा, और क्योंकि हर प्रेत मेरा गुलाम है, तुम भी मेरे गुलाम बन जाओगे। अपना मुंह खोलो बच्चों। जागो जागो मेरे प्रेतो, मेरे गुलामो, जागो। अब तुम्हारे लिए मेरा पहला हुक्म है कि मार दो एक दूसरे को। जो हुक्म मेरे आका। ये तुम्हारी परीक्षा थी, तुम्हारी वफादारी परखने के लिए। अब सुनो मेरा असली हुक्म, जाओ और जाकर उस अभी को ढूंढो, उसे पकड़कर यहां ले आओ। अगर नहीं ला सके उसे मौत के घाट उतार दो, क्योंकि अभी मरेगा तो
प्रेतों की फौज बढ़ेगी। अब जाओ, अब तू नहीं बचेगा भी, क्योंकि तुझे मारने तेरे दुश्मन नहीं, तेरे सबसे अच्छे दोस्त आ रहे हैं। कहाँ होंगे दोनों? हमें तो यहाँ प्रीतु का प्याला चाहिए था, ताकि मेरी मम्मी आप नर की आग से बचा सके, पर पता नहीं उन्हें कुछ ना हो गया हो। माया, विशु, विशु, माया, विशु, माया, ठीक हो दोस्तों? ये तुम लोगों को क्या हो गया है? ये तुम लोग क्या कर रहे हो? गाइस, ये तुम लोग क्यों कर रहे हो? हम सब बेस्ट फ्रेंड्स हैं। नहीं, हम तेरे दोस्त नहीं, अभी प्रेत है, प्रेत राज के गुलाम, और उनका हुक्म है कि हम तुझे उन तक लेकर जाए, और अगर ना ले जा पाए तो तुझे यहीं मार दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है अभी, तू भी हमारे साथ चल, प्रेत राज तुझे भी प्रेत बना देंगे, और फिर हम फिर से दोस्त बन सकते हैं, फिर एक घंटा और फिर हम हमेशा के लिए प्रेत हो जाएंगे। एक घंटा मतलब मेरे पास अभी भी तुम्हें बचाने के लिए एक घंटा है। तू अगर नहीं मानेगा तो हम तुझे यहीं पर मारकर प्रेत राज तक तेरी लाश ले जाएंगे। को बचाने फिर मुझे हासिल करने प्लेटो का प्याला, पर मैं इस गुफा से निकलूंगा कैसे? जरूर ये उस अभी की ही करतूत है। हाँ, वो बच के जा नहीं पाए, ढूंढो उसे और मार दो। चलो, मैं तुम दोनों को प्लेट नहीं बनने दूंगा दोस्तों, मैं तुम दोनों को बचाऊंगा, वो भी एक घंटा पूरा होने से पहले, ये मेरा तुमसे वादा है। गुरुकाल, राजगुरु, आप इस गुरुकाल जैसे काले मायावी के साथ कैसे?
आप दोनों को इतने साल नर्क की आग में जलता देख कुरुकाल वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी मम्बासा। पर अब अभी तुम लोगों को छुड़ाने बहुत करीब आ गया है, पर गुरुकाल कभी गलती नहीं करता। राजगुरु नर्क की आग की तीव्रता इतनी बढ़ा दो कि जब अभी यहां पहुंचे तो उसे अपने मां बाप नहीं बल उनकी चिता मिले। राजगुरु राजगुरु बस बस तुम जो कहोगे वो सब करने को तैयार हो। ये तो सिर्फ शुरुआत है। इस बढ़ती आग के साथ साथ देखो कितने वार करता हूं मैं तुम पे और तुम्हारे अवि पे। अवि हमें बचाएगा और जरूर बचाएगा हमें। आएगा। गुरु काल इज वेरी हैप्पी। अवि को भूल जाओ, भूल जाओ तुम दोनों, वो कभी नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा। उसकी जान प्रेतराज छीन लेगा। आदित्य, आदित्य हमारा बेटा, हमारा अवि। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा अवि को रुकने, वो मेरा बेटा है, वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता, वो है एक रुद्र कलश। बिजली की शक्ति तुम प्रेत पर जरूर काम करेगी। अब अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हें झटका देकर खत्म कर दूंगा। जाने दो मुझे। जाने दूंगा। पहले बताओ कि मेरे दोस्तों को वापस इंसान कैसे बनाया जा सकता है। प्रेतों के प्यालों से उनके सर पर प्रेतों का पानी डालकर। अब छोड़ दो मुझे, जाने दो। विश्व और माया को बचाने में सिर्फ 40 मिनट बाकी है। बताओ कि प्रेतों का प्याला और पानी कहाँ मिलेगा? नहीं, मैं प्रेत रात से गद्दारी नहीं कर सकता। नहीं, अब और नहीं, बस प्रेतों का प्याला और वो पानी दोनों तुम्हें पुराने खंडर में मिलेंगे। पूरब की ओर, पर तुम अगर वहां पहुंच भी गए तो प्रेतराज तुम्हारी जान खुद ले लेंगे। अगर मेरे दोस्तों को बचाने के रास्ते में खुद प्रेतराज भी आ जाए तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। बेवकूफ लड़के, प्रेतराज को कोई नहीं मार सकता, उन्हें सिर्फ खंडहर के जादू आईने में कैद किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्त, मैं भी यही जानना चाहता था। ज्ञान, दादी लोग का द्वार जल्दी खोलो, अभी को मेरी जरूरत है। पहले साबित करो कि आप ही मेरे हुकुम आदित्य हो, और साबित करने का आसान तरीका है सफेद मोती। सफेद मोती? हाँ, सफेद मोती आपकी हाथ की लकीरें जांचकर सब सच बता देगा। अगर आप ही आदित्य हो तो मोती सफेद रहेगा, पर अगर आप आदित्य नहीं हो तो मोती काला हो जाएगा और उसी समय आपकी मौत हो जाएगी। मौत?
मैं इसे कैसे पार करूं? आइडिया। ना दोस्तों, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, पर मैं निशाना ऐसा लगा रहा हूं कि तुम मुझे मार ना सको। विशु,
घबराना मत, मैं बचाऊंगा तुम दोनों को। मेरे पास टाइम बहुत कम बचा है, मुझे कैसे भी करके विश्व और माया को बचाना होगा, पर इतने कम टाइम में मैं कैसे बचाऊंगा इन्हें।